पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। लोकसभा प्रवास के तहत मुजफ्फरपुर के पताही में उनका कार्यक्रम होगा। कोर कमेटी की बैठक में अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर फैसला लिया गया। बैठक में लोकसभा की 7 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें गोपालगंज, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, नालंदा और पूर्णिया सीट शामिल है। ये सभी 7ों सीटें फिलहाल जेडीयू के खाते में है, जो अब महागठबंधन का हिस्सा है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सहयोगी सीट पर भी मजबूती से काम करेंगे, साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और जातीय आधार पर आकलन करने का भी संकल्प लिया गया। तो पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर भी बात हुई। सहयोगी अवनीश से पूरी जानकारी लेते हैं। अवनीश, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म होने की जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? जी, अभी बैठक खत्म नहीं हुई है, बल्कि बैठक हो ही रही है। जी जी। लेकिन अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उनका जो है एक बार फिर बिहार का दौरा प्रस्तावित हुआ है और 5 नवम्बर को जो है उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पताही में उनका कार्यक्रम तय हुआ है। और बीजेपी की ये रणनीति है कि बिहार के 40 लोकसभा सीट पर कैसे जो है 40 लोकसभा सीट जीती जाए, उसको लेकर जो है कई घंटों से जो है पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर हाल में बिहार के 40 सीट जो है वो जीतना चाहती है। इससे पहले 2019 में 39 सीट जो है वो एनडीए के खाते में आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति है कि एनडीए 40 सीट कैसे जीते, जो सहयोगी दलों को जो सीटें जाए उस सीट पर भी हर बूथ कैसे जीती जाए, इसकी रणनीति जो है वो पार्टी के तमाम नेता बना रहे हैं। और इसी कड़ी में फिर लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम है और मुजफ्फरपुर जिले के पताही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो है एक बार फिर प्रस्तावित हुआ है। और अमित शाह और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लगातार उनका बिहार दौरा हो रहा है। बिहार पर विशेष नजर बीजेपी की है और बीजेपी की ये कोशिश है कि बिहार और यूपी के दो राज्य जो है वो महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से भी। वैश्विक स्थिति में जो कार्यक्रम तय हुआ है 5 नवंबर को जो है वो तय हुआ है। कोर कमेटी की बैठक अभी चल ही रही है, तमाम नेता जो है बैठक के अंदर जो है वो चर्चा भी कर रहे हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस बैठक में बिहार के प्रभारी है विनोद तावड़े, सब प्रभारी है सुनील ओझा, उसके साथ अब बिहार के जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं और कोर कमेटी के तमाम सदस्य हैं, तमाम लोगों की मौजूदगी में ये चर्चा हो रही है। चलिए, नजर बनाए रखें अवनीश, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि विशेष रूप से जो जानकारी सामने आ रही है इस कोर कमेटी की बैठक में, उन सीटों को लेकर खास चर्चा की गई है जिस पर पिछले चुनाव में सहयोगी रहते हुए जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब जेडीयू विरोधी खेमे में है। तो बीजेपी की कोशिश कि जेडीयू के खाते में गई सीटों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।